तो आज हम बनाने वाले हैं सबकी फेवरेट दाबेली। ये बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है एंड ये बहुत लोगों को पसंद है, छोटे या बड़े सब इसको खाना पसंद करते हैं। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। हमें चाहिए रहेंगे ये इंग्रेडिएंट्स, आप इसको सेम हिसाब से ले सकते हो। इसमें आराम से एक 10 से 12 दाबेली बन जाएंगी। तो सबसे पहले बना लेते हैं दाबेली का मसाला, जिसके लिए हमें चाहिए 2 चम्मच धनिया के बीज, 2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ और 2 चम्मच वाइट तिल। ये सब मसालों को हमें अच्छे से रोस्ट करके लेना है, जब तक इसमें से अच्छी वाली खुशबू ना आ जाए। और ये फाइनली हम ऐड करेंगे एक मिक्सी ग्राइंडर में। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये मसाले थोड़े ठंडे हो जाए। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें 2 चम्मच लाल मिर्ची, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच अमचूर की पाउडर और 2 चम्मच चाट मसाला। इसके साथ जाएगी 1.5 चम्मच पीसी हुई शक्कर और इसको हम अच्छे से ग्राइंड करके लेंगे। ये हो गया हमारा दाबेली का मसाला रेडी। तो चलिए बनाते हैं दाबेली के अंदर की फीलिंग। इसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा तेल, जिसमें हम डालेंगे जीरा और थोड़े से वाइट तिल, और इसमें जाएगा हींग पिंच, मतलब थोड़ा सा ही हींग डालना है। और जो हमने मसाला करके रखा था वो 2 चम्मच डाल के हम इसको अच्छे से कुक करके लेंगे। इसका जो तेल है वो सेपरेट होना चाहिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे ये ग्रीन पेस्ट। इसमें है धनिया, करी पत्ता, एक चिली और छोटा सा जिंजर, जिसको हमने अच्छे से मिक्स ग्राइंड करके लिया था, और ये हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको तब तक मिलाते रहेंगे जब तक इसको अच्छा, मतलब ऑयल जब तक सेपरेट ना हो जाए। अब हमारा मसाला तो अच्छे से कुक हो गया है, तो इसमें हम ऐड करेंगे मैश पोटैटोज। इसको आपको धीरे से ऐड करना है। और ये एक चीज़ याद रखनी है कि आपको जो गैस फ्लेम है वो मीडियम या फिर लो पे रखना है और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके लेना है। और ये दाबेले की फीलिंग हो गई हमारी रेडी। अब हम बनाने वाले हैं मसाला पीनट्स, यानी कि मसाले मूंगफली जो हम दाबेली के अंदर डालते हैं, जिसके लिए हमें लेना है 1 टेबल स्पून तेल, और इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा जो हमने मसाला बनाया था दाबेली का वो, और इसमें ऐड करेंगे पीनट्स। इसको अच्छे से हमको रोस्ट करके लेना है। और अभी ये पीनट्स रोस्टेड है, तो जो मसाला या फिर जो फीलिंग हमने लिया था उसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और अच्छे से ऐसे अरेंज करेंगे। ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता और ऐड करेंगे जो हमारे मसाले पीनट्स है वो, और थोड़ा सा अनारदाना, क्योंकि इसके वजह से बहुत ही टेस्ट आता है दाबेले के लिए। तो ये फीलिंग हो गई हमारी रेडी। हम लेंगे अभी एक पाव जिसके अंदर चटनी लगाने वाले हैं। चटनी की रेसिपी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप ज़रूर चेक कीजिए। अब इसमें डालेंगे अंदर जो हमने फीलिंग बनाई थी वो, और ये अच्छे से स्प्रेड करके लेंगे। ऊपर डालेंगे प्याज और लास्ट में हमें ऐड करना है सेव। और ये हो गई हमारी एक दाबेली रेडी। इसको हम अभी रोस्ट करके लेंगे। पैन में लेंगे हम थोड़ा सा बटर और इसको अच्छे से दोनों साइड से हमें ग्रिल या फिर रोस्ट करके लेना है, जिसके वजह से बहुत ही टेस्टी स्वाद आता है इसका। और ये दाबेली हम टोस्ट करने के लिए या फिर ग्रिल करने के लिए रख दिए हैं। थोड़ा सा सिर्फ हमें उसको ऊपर का और नीचे का जो पाव है वो अच्छे से कड़क करके लेना है। और ये हो गया हमारी दाबेली रेडी। ये बहुत ही टेस्टी बनती है गाइस, ट्रस्ट मी, मुझे तो इतनी ज़्यादा पसंद है। आप ज़रूर इसको ट्राई करो और मुझे कमेंट्स में बताओ। और अगर ऐसे ही हमारी रेसिपीज आपको अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूले, और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना।